फ्रेंड, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियन। इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस मंथ में कौन कौन बेस्ट टेक्निकल जॉब्स है जो बी बी टेक डिप्लोमा आईटीआई के लिए है, क्या आपने इसको अप्लाई किया है, किसको नहीं किया, इसी बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कहना चाहेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। अगर आप नॉन टेक से हैं तो आपके लिए वीकली जॉब अपडेट्स आते हैं जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कवर किया जाता है, लेकिन इस सीरीज मैं केवल टेक्निकल्स कवर कर रहा हूँ और ऐसे ही हर मंथ के लास्ट में सीरीज आती रहेगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले जिस अपडेट आ रही है वो NPCIL की तरफ से आ रही है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया की तरफ से। ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की थी, इसमें फाइनल ईयर एलिजिबल थी, इसमें खास बात थी। और इसकी जो लास्ट डेट है 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया तब इसको अप्लाई जरूर कर लें क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी हम बात कर लेते हैं नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से, ऑपरेशन ट्रेनिंग की वैकेंसी जा रही थी, इसमें 300+ सीटें थी। और इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट 30 दिन तक लास्ट डेट है। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो इसको अप्लाई जरूर करें क्योंकि आईटीआई के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। फिर हम बात कर लेते हैं सेवी की जॉब आई थी जो ग्रेड ए की थी, जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल थे बी ई बी टेक एम टेक कुछ लॉ के लेवल की, तो सीरीज है इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो इसको आप अप्लाई जरूर करें। इसकी लास्ट डेट जो कि पहले 12/4 थी, अब इसको बढ़ा के 30/4 कर दिया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं NLC की तरफ से। और हाँ, अगर आपने इसका फुल वीडियो नहीं देखा है या फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगा। NLC की तरफ से आ रहे तो विदाउट गेट थी, फ्रेशर्स एलिजिबल थी, इसमें ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की आ रही थी। इसकी जो अगर आपने इसको अप्लाई नहीं, इसकी जो लास्ट डेट है वो 17/4 लास्ट डेट है। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई जरूर करें क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसमें। फिर अगली हम बात कर लें HRR था HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैचअप है, अर्थात ज्वाइंट वेंडर है। इसमें जो ग्रेड्स E1, E2, E4 के लिए आ रही थी, इसमें इंजीनियर फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस या लीगल सब के लिए थी। इसमें BA/BTech फ्रेशर्स के लिए भी कुछ थी और कुछ एक्सपीरियंस के लिए भी थी। अगर आप इसको अप्लाई नहीं किया तो आप इसको अप्लाई जरूर करें क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसमें, जो 24 अप्रैल लास्ट डेट है और सीटें 70+ थी। फिर हम बात करते हैं कोस्ट गार्ड यांत्रिक जो प्रॉपर डिप्लोमा के लिए थी, इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल एलिजिबल थे। एक खास बात यह है कि इसमें कोई फी नहीं है, सैलरी अच्छी है। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया जरूर अप्लाई करें और इसकी लास्ट डेट 16 अप्रैल रखी गई है। नेक्स्ट TSPCS की तरफ से आ रही है जिसमें जिसका लास्ट डेट 30 मार्च है। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया, वीडियो नहीं देखा तो भी देखें और आप इसको अप्लाई जरूर करें क्योंकि विदाउट गेट थी, इंजीनियर वैकेंसी अच्छी खासी ऑल इंडिया जॉब है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेलंगाना का है तो केवल वही, तमिलनाडु का तो केवल वही लोग, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर ओडिशा स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से जो वैकेंसी जा रही थी मैनेजर सिस्टम, में BA/BTech एलिजिबल थे और एनी ग्रेजुएट के लिए कुछ MCA के लिए पोस्ट थी। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं की जरूरत, इसके भी पूरी अप्रैल चलने वाली है। फिर अगर आपने मेरा वीकली अपडेट्स नहीं देखा जो हर वीक में आता है, हर संडे को आ जाता है, तो उसको भी जरूर देखें, वहाँ भी वो अच्छी खासी जॉब मिल जाती है जिसमें नॉन टेक भी कवर किए जाते हैं। यही जानकारी थी और हमें उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।